तो सरकार के 100 दिन पूरे होने के बाद अब सीएम मनोहर लाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा ले चलते हैं आपको। अरे ये ऑन कराओ भाई, अरे ऑन कराओ, ये देखो इधर अंदर के ना ऑन है। बीजेपी और जेजेपी के गठबंधन की सरकार को अब पूरे 100 दिन हो गए हैं और इसी 100 दिन पूरे होने के बाद से ये बैठक रखी गई है, प्रेस वार्ता रखी गई है। 100 दिन के पूरे होने के बाद मनोहर लाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है जहां वो मीडिया से मुखातिब हुए हैं और बेहतरीन 100 दिनों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जो कि चंडीगढ़ में हो रही है। चंडीगढ़ में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है जहां दुष्यंत चौटाला और सीएम मनोहर लाल साथ साथ बैठे हुए नजर आ रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है, मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। जेजेपी और बीजेपी गठबंधन के हरियाणा में पूरे 100 दिन हो चुके हैं। मित्रों, जैसा हमको पता है कि 27 अक्टूबर 2019 को हमारी ये गठबंधन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी इस नाते से कहूँ तो हमारी ये सेकेंड टर्म हमने शपथ ली थी और आज 7 फरवरी हो गया है। जैसे एक परिपाटी रही है कि 100 दिन के बाद सरकार ने क्या किया है, ये सबकी नज़र उधर रहती है। ये ठीक है कि आज 2 दिन ऊपर हो गए हैं लेकिन क्योंकि दिल्ली के चुनाव चल रहे थे इस कारण से बीच में 2 दिन पहले आपसे मिलना संभव हो नहीं सका। कल दिल्ली का चुनाव प्रचार समाप्त हुआ तो आज आते ही आपके सामने मैं आया हूँ। इन 100 दिनों में हम लगातार, जैसे हमारे काम की पिछली सरकार के समय से गति बनी हुई थी, उसी गति को पहले दिन से ही काम करना हमने प्रारंभ कर दिया था, शुरू किया था। विपक्ष के लोगों का एक स्वाभाविक सा एक जुमला रहता है कि कुछ नहीं किया है, काम शुरू ही नहीं किया है, और हम ये कहते हैं कि चूंकि उनके पास तो कोई काम होता नहीं है सिवाय बोलने के, और सिवाय जुमले बोलने के चूंकि खाली हो गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं, हमारे पास काम इतना है कि हम उनकी इस प्रकार के जुमलों का जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं समझते और ना हमारे पास ये इतना समय कि उनके हर बात को, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसके बारे में भी कहते रहे। हम लगातार काम करते हैं। पहली बार सरकार जब हमने संभाली थी तो उस समय मैंने खुले रूप से घोषणा की थी कि जब भी कोई पार्टी पहली बार सरकार में आती है या कोई मुख्यमंत्री पहली बार बनता है तो उसके पास काम करने के लिए 3 साल होते हैं, लेकिन यदि वही पार्टी लगातार दूसरी बार सरकार में आ जाए और मुख्यमंत्री भी लगातार दूसरी बार आ जाए तो उसके पास फिर 5 साल पूरे होते हैं पहले दिन से और 5 साल के आखिर तक। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हमने अपने इन 5 सालों की तैयारी दूसरी टर्म में आने से पहले ही कर ली थी शुरू, इसलिए मैं तो ये मान के चलूँ कि हमको 5.5 साल काम करने का मौका मिलेगा। तो उस प्रकार हमने पहले दिन से ही काम करने शुरू किए थे और वो सब काम, अगर मैं कहूँ कि 100 दिन में टोटल हमने 101 काम कर लिए हैं तो आपको एक एक के बारे में, शायद सबके बारे में जानकारी देना तो समय नहीं है, संभव नहीं है, फिर भी आपको लिखित वो सारी जानकारी दी जाएगी। कुछ प्रमुख कामों के बारे में आपको इस ये जो PPT एक बनाई है इसके माध्यम से बीच बीच में कुछ जानकारी मैं देता रहूँगा और सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है। पहला विषय तो जैसा 25 दिसंबर 2019 को एक घोषणा की थी कि अब अगला वर्ष 2020 का इसको हम सुशासन संकल्प वर्ष ये मनाएंगे, ताकि सुशासन हमारी एक कोर आइडिया जिसको कहना चाहिए है कि हम बजाय व्यक्तिगत रूप से एक एक व्यक्ति की समस्याओं को हल करें, हर डिपार्टमेंट अपनी एक व्यवस्था के माध्यम से और गुड गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा करेंगे
जैसा हमने पहले 5 साल किया उसी प्रकार अब भी लगातार कर रहे हैं, और ये वर्ष हमारे सब ऐसे कामों को और गति देगा जिसमें हम गुड गवर्नेंस का पूरा वर्ष हम काम कर सकें। अभी जैसे बजट आ रहा है तो पहली बार हमने ये भी तय किया है कि बजट स्टेक होल्डर से उनकी बजट प्री बजट कंसल्टेशन उनके माध्यम से की जाए। अभी तक 5 मीटिंग्स हो चुकी हैं जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर के लोगों से भी मीटिंग हुई है, सर्विसेज की भी हुई है, रियल एस्टेट के लोगों से हुई है, और इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इस नाते से भी मीटिंग्स हुई है। 5 की बजाय भी 6 हो चुकी हैं, और अभी मीटिंग्स का दौर ये शुरू हो गया है। डिपार्टमेंट्स की मीटिंग वो आज से शुरू हो जाएंगी, और एक नया प्रयोग विधानसभा के सत्र में मैंने घोषणा की थी कि सभी विधायकों से भी प्री बजट कंसल्टेशंस ये हम 3 दिन करेंगे, ताकि उनका भी मत क्या है सब योजनाओं के बारे में, विभागों के बारे में, जो भी कोई बात नए आएगी उसको हम यथासंभव सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे। पहली घोषणा हमारी थी कि हर विधायक को 5 करोड़ रुपया, यानी पॉलिटिकल एक अपने विचार को इससे ऊपर उठ करके 90 के 90 विधानसभाओं में 5-5 करोड़ रुपया विकास काम के लिए दिया जाए। ये हमने पहली घोषणा पहले सत्र में ही की थी जिस दिन शपथ ग्रहण का समारोह हुआ था। इसी प्रकार शराब की बिक्री उन गांव में हम नहीं करेंगे जहां 10% वहां का जो मतदाता है वो इस बात के लिए ग्राम सभा का हमको लिख के देगा कि हमारे गांव में ठिकाना खोला जाए। तो नशा मुक्ति की ओर बढ़ने के लिए हमने ये जो बात कही थी इसको हमने पूरा किया है। 872 प्रस्ताव हमको, और 872 यानी कुल गाँव का लगभग 13% बनता है, तो 13% गाँव में हम इस प्रस्ताव पारित होने के बाद इस बार ये लागू कर रहे हैं कि वहाँ ठेके नहीं खुलेंगे। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसको हमने एक अलग से पावर डिपार्टमेंट की ओर से एक ग्रुप बनाया है, जो किसान हमारे बंधु हैं वो अपनी बिजनेस यानी एग्रो बिजनेस इस नाते से कहीं पोल्ट्री फार्म है, कहीं फिशरीज है, या कहीं मशरूम फार्म है, ऐसे जो फार्म्स हैं जो अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए एग्रो इंडस्ट्री के नाते से उपयोग करते हैं। अभी तक उनकी जो पावर का टैरिफ है वो इंडस्ट्रियल टैरिफ था, अब उसकी एक अलग कैटेगरी बनाई है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। इसका जो बिजली का रेट है वो 4.75 रुपये प्रति यूनिट ये हमने कर दिया है। जैसे इंडस्ट्री में भी MSME में मैंने किया हुआ है 20 किलोवाट से नीचे, अब ये एग्रो इंडस्ट्री अलग से ग्रुप बना करके 4.75 रुपये यूनिट, लगभग 3-3.5 रुपये की बचत इसमें उन सब लोगों को होगी। इसी प्रकार एक नया जो हमने अपने घोषणा पत्रों में दोनों पार्टियों का जो मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत भी तय किया है कि अकुशल श्रमिक इनको 75% नौकरियां उद्योगों में मिले, इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है, इसको भी हम लागू करने वाले हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग जो हो गया है, तो इसी प्रकार जो अदालतें हैं जिला स्तर की जितनी भी अदालतें हैं उन सब में हिंदी का प्रयोग, इसके लिए भी हमने निर्णय लिया है और वो काम करना शुरू किया है। हाई कोर्ट में भी हिंदी का निर्णय, हिंदी का में काम हो, राज्यपाल महोदय को हमने पत्र लिखा है कि वो एक सिफारिश करें, क्योंकि ये राज्यपाल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को भेजना पड़ता है कि वो अगर अनुमति देंगे तो हाईकोर्ट भी इसमें हिंदी में काम करा सके। प्रेसिडेंट को पत्र लिखते हैं। इसी प्रकार अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए अभी तक ग्रेजुएशन लेवल की जो मेडिकल एजुकेशन थी MBBS लेवल तक, वहाँ तक रिजर्वेशन थी, अब हमने PG लेवल पर भी उसको रिजर्वेशन ये दी है। राजस्व विभाग की ओर से भी ये घोषणा की है कि राजस्व विभाग के जो काम हैं, लिटिगेशन बहुत पेंडिंग पड़ी है, तो एक उसमें गति आए। हर मंगलवार को राजस्व विभाग के अधिकारी हर महीने के पहले मंगलवार को राजस्व विभाग के अधिकारी यानी SDM, तहसीलदार, पटवारी, कानूनगो, ये सब पूरा दिन लोगों के केसेस की सुनवाई करेंगे। उस दिन कोई और सरकारी काम उनके जिम्मे नहीं लगाया जाएगा। बहुत सी जो नई योजनाएं हैं वो भी हमने शुरू की हैं, जिसके अंदर कुछ राष्ट्र केंद्र स्तर की जो योजनाएं हैं
उनको भी प्रदेश में लागू करने के लिए हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है। जैसे जल जीवन मिशन, इसमें हर घर में पानी का कनेक्शन ये दिया जाए और 2024 तक का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा है, लेकिन हमने इसको तय किया कि 2022 तक इसको पूरा करेंगे। अभी तक पानी के कनेक्शन घरों में लोगों ने लगा रखे हैं, अपने आप लगा लेते हैं, लेकिन सैंक्शनड नहीं है। तो जो अनसैंक्शनड, जिसको कहना चाहिए, ऐसे 6 लाख कनेक्शन ये लोगों ने ले रखे हैं। बहुत उसमें पेचीदगियाँ थी कि उनको रेगुलराइज कैसे किया जाए। हमने एक सरलीकरण करके थोड़ा पैसा लेकर और उसमें चार्जेस जो ज़्यादा थे उसको कम करके और रेगुलराइज करना शुरू किया है। अभी 1.5 महीने में 2 लाख से ज़्यादा कनेक्शन ये रेगुलराइज हो गए 6 लाख में से, और काम लगातार जारी है। लेकिन इसमें हम 2022 तक सभी घरों में पीने का पानी, जैसे गैस सिलेंडर सभी घरों की रसोइयों तक हमने पहुँचाया है, इसी प्रकार हर परिवार की रसोई में पानी का कनेक्शन ये 2022 तक ये हम लोग पहुँचाएँगे, ऐसा हमारा योजना है। उसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है, 2 लाख कनेक्शन रेगुलराइज कर दिए हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार की अटल भूजल योजना, इसमें जहाँ डार्क जोन एरियाज हैं, 36 ब्लॉक हरियाणा के ऐसे हैं, इनमें भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के लिए 712 करोड़ केंद्र सरकार की ओर से मंजूर हुए हैं, जिसकी 150 करोड़ की योजनाएँ ये तुरंत लागू कर दी गई हैं। बाकी आगे की योजनाओं में ये खर्च किया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत अभी जो पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में वो 8वीं कक्षा तक दी जाती थी, अब 9वीं से 12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तकों को भी मुफ्त में दिया जाएगा, ये भी निर्णय कर लिया है। इसी प्रकार केंद्र की जो योजना पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना में पशुपालन को प्रोत्साहन देने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर ही ये पशु किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जा रहे हैं। एक प्रदेश में हमने जो काम, शायद देश भर में हरियाणा ही पहला प्रदेश होगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाल डोरा की व्यवस्था होती थी अंग्रेज़ के समय, यानी अंग्रेज़ों से हम भले मुक्ति पा चुके हैं, आज़ादी मिल गई है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अंग्रेज़ के समय की अभी भी चलती आ रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लाल डोरा जो है वो अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसका होना ही अनिवार्य नहीं था। हमने लाल डोरा की सीमा को समाप्त करके सभी ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको और रेवेन्यू में डिपार्टमेंट ला करके उनका रजिस्ट्रेशन कराना और गांव के जो लोग हैं उनको मालिक बनाना, यानी पहली बार की रजिस्ट्री है वो गांव के जो पंचायत है, पंचायत की ओर से उन किसानों को मालिकाना हक दिया जाएगा और रजिस्ट्रियाँ करा देंगे। इसका सिरसी गांव से हमने प्रारंभ कर दिया, सिरसी गांव पूरे का पूरा ये लाल डोरा मुक्त हो गया है, वहाँ के लोगों को मालिकाना हक उनकी ज़मीन का, प्रॉपर्टी का दिया गया है। इस योजना को हम सारे प्रदेश में आगे इसका विस्तार करने वाले हैं। किसानों और मजदूरों के लिए सस्ता खाना 10 रुपये की थाली, इसका भी हमने शुरू किया है अनाज मंडियों में और सब्जी मंडियों में और चीनी मिलों में। ऐसे 25 जगह पर ये शुरू करने की बात अभी है। अभी प्रारंभ 2 स्थानों पर हो गया है, बाकी स्थानों पर अब इसको प्रारंभ करने वाले हैं। ये भी 27 दिसंबर 2019 को पहली किसान मजदूर कैंटीन, गरीब मजदूरों के लिए पहले से ही सब शहरों में ये कैंटीन चलती थी, अभी किसानों के लिए उनके स्थानों पर भी की जा रही हैं। किलोमीटर स्कीम सामान्यतः हर प्रदेश में ये चलती रही है, हरियाणा एक प्रांत ऐसा था जिसमें किलोमीटर स्कीम लागू नहीं की थी, काफ़ी कुछ इसमें विवाद भी बने रहे, कोर्ट तक भी चीज़ चली गई और अंततः अब हरियाणा में पहली बार किलोमीटर स्कीम को लागू कर दिया है। 66 बसें शुरू हो गई हैं, 39 बसें अभी 2-4 दिन में आने वाली हैं और जो 510 बसों का पुराना जो विवाद था उसमें भी जो ऑफर उन लोगों ने दी है कि वो भी इसी स्कीम में आने के लिए तैयार हैं, और मुझे लगता है कि अगले 1 महीने में काफ़ी बसें किलोमीटर स्कीम की वो हरियाणा सरकार के पास आ जाएंगी, ताकि बसों का बेड़ा ये हमारा और बढ़ जाएगा। इसी प्रकार खनन क्षेत्र, यहाँ भी बहुत से जिसको कहना चाहिए इल्लीगल खनन की शिकायतें बहुत थी, बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उन चीज़ों पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था हमने अब की है। तो ई रवाना स्कीम में इस प्रकार की टेक्नोलॉजी के माध्यम से व्यवस्था की गई है, ताकि गाड़ी के चलने पर जहाँ से खनन में से गाड़ी चलती है और जहाँ वो पहुँचती है
उसके ऊपर उसकी नज़र रखी जा सके और ई बिलिंग भी उसके अंदर लागू की गई है ताकि वहाँ किसी प्रकार की इलीगल माइनिंग इसको रोका जा सके और इसका बहुत लाभ हुआ है और हमें जो रेवेन्यू प्राप्त हो रहा है खनन से पिछले जनवरी के अकेले महीने में यानी पिछले 9 महीने में लगभग 400 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था, जनवरी अकेले महीने में 85 करोड़ का रेवेन्यू आया है। तो एक इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने उसमें की है और बहुत से ऐसे इलीगल खनन को या ओवरलोडिंग को रोकने के लिए हमारे डिपार्टमेंट ने सख्ती की। लगभग 750 वाहन ये भी पकड़े गए हैं और पकड़ करके उनको अभी तो कंपाउंड किया गया है लेकिन उनको भी एक इस व्यवस्था से यानी ठीक करने के लिए हमने इस पर सख्ती से लागू किया है और मैं समझता हूँ आगे ओवरलोडिंग का काम बहुत कम लोग अब इसमें करेंगे, एक रोक इस पर लगी है। नई एक्सग्रेसिया प्रणाली जिसमें जो कर्मचारी हैं मृतक कर्मचारी के परिवार में किसी परिवार के सदस्यों को नौकरी मिले, ये भी हमने इसी योजना में अब 52 वर्ष की आयु से पहले अगर मृत्यु होती है तो परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी मिल सकती है अगर वो चाहें तो, अन्यथा पहले वाली बात जो योजना है वो तो चालू रहेगी ही कि अगर नौकरी की बजाय वो पूरी तनख्वाह पूरी इनकम वो उसकी जो सैलरी है वो 58 वर्ष तक परिवार के लोग ले सकते हैं। ट्रीटेड वेस्ट वाटर यानी जो हमारी पानी की जो नीति है उसमें पानी को रिसाइकल और उसको करने के बाद उसको रीयूज़ किया जाए, रिसाइकल करने के बाद रीयूज़ किया जाए और इसके लिए 200 जो STPs है उनका 700 क्यूसिक पानी इसको दोबारा से इस्तेमाल करने की योजना सब बनी है। पानीपत का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ रिसाइकलिंग तो हो रही थी लेकिन उसका रीयूज़ नहीं हो रहा था। मैं स्वयं जा करके देख के आया, घग्गर के नदी के ऊपर ही भी कुछ STPs लगे हुए हैं, उनके पानी का रीयूज़ कहीं बागवानी में कहीं इंडस्ट्री में इसका रीयूज़ करने की योजना ये भी हमने बनाई है। ऐसी कुछ ये नई योजनाएं थी। एक योजना ऐसी जिसकी चर्चा बहुत दिनों से मैंने अपने भाषणों में भी की है और उसको एक बहुत ही हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट ये भी मैं समझता हूँ कि देश भर में अभी और कहीं शुरू हुआ नहीं, जिसको हमने यहाँ शुरू किया है। अभी तक हम जानते हैं कि नागरिकों का आधार कार्ड ये पहचान तो सबकी बनी हुई है लेकिन परिवार के रिकॉग्निशन ये इसमें कहीं पुख्ता जिसको कहना चाहिए एक अथॉरिटी से हम कह सकें कि ये परिवार एक परिवार की इकाई में इतने सदस्य हैं और उनका ये डायनेमिक डाटा है, ऐसी व्यवस्था हमारे यहाँ भी नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। हमने इसको नए सिरे शुरू किया है, हर परिवार की एक पहचान उसका एक ID ये बनाएंगे और उसमें एक डायनेमिक उसका जो डाटा है वो आता रहेगा, परिवार के सदस्य उनकी क्या करते हैं उसकी एंगेज का कहाँ एंगेज है व्यक्ति, आयु, उसकी इनकम, उसकी एसेट्स, उसकी एजुकेशन, उसकी स्वास्थ्य के बारे में सब जानकारियाँ उस सदस्य की अलग अलग डिपार्टमेंट रखेंगे लेकिन जो डाटा बेस डाटा है परिवार और उसके सदस्य ये एक अलग से योजना बनाई है, उसका एक अलग से विभाग भी हमने बनाया है। तो उस योजना को हमने शुरू किया है, जितनी सरकारी योजनाएँ हैं वो सब इसी डाटा के आधार पर दी जाएंगी। तो पहली योजना जो स्कीम्स का जिनका लाभ इस डाटा के माध्यम से दिया जा रहा है वो हमने इसको परिवार समृद्धि परिवार पहचान पत्र का जो रजिस्ट्रेशन है 27 जनवरी से इसको शुरू किया था और उसी में मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना इसका रजिस्ट्रेशन भी अलग से फार्म भरवा करके कि भी उसको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ चाहिए। इसमें 6,000 रुपये का वार्षिक लाभ ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपये और जमीन 5 एकड़ से कम, इतने दायरे में जो लोग आते हैं उनको इसका लाभ मिलेगा और एक परिवार के नाते से 6,000 रुपया 3 बार करके 2,000 रुपये की योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। आज हम उसकी एक प्रकार से लॉन्च कर रहे हैं मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का और आज सायंकाल तक ये समझो कि 1,00,000 परिवारों का रजिस्ट्रेशन मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में ये होगा। उन सबको आज में कल में ये सारी जो फैसिलिटी है पहुंच जाएगी। डायनेमिक उसका जो डाटा है वो मैं अभी इस समय बता देता हूँ कि कितना हमारा हो गया है क्योंकि ये डायनेमिक चल रहा है। अभी परिवार पहचान पत्र इसमें 1,15,000 और 970 यानी 1,16,000
परिवार पहचान पत्र में हो गए हैं और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में, क्योंकि उन्हीं में से जो क्वालिफाई करते हैं वो है 89,409, यानी लगभग 90,000। और ये जिस गति से रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आज सायंकाल तक लगभग 1,00,000 ये योजना हो जाएगी, जिसका आज उनको ये पैसा 4,000 रुपया दो किस्तों का आज ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक किस्त का मार्च में इसका ट्रांसफ़र होगा, अर्थात हर साल 6,000 रुपया। पिछले बजट में ही हमने इसका प्रावधान कर लिया था, लेकिन चूँकि बीच में चुनाव आ गए, लोकसभा का, विधानसभा का, फिर इसकी तैयारी के लिए रजिस्ट्रेशन वो सारा काम करने के लिए समय इसमें लगा है, लेकिन वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और इसमें इस योजना को चालू करने में हमारे जो एक बहुत ही प्रमुख जिन्होंने आधार के लिए भी काम किया है, NIC में भी काम करते रहे, श्री गरोला जी, गरोला जी हमारे बहुत ही एक वैज्ञानिक हैं IT के, और इन्होंने इस काम को सिरे चढ़ाया है, तो मैं सबसे पहले उसका लॉन्च करने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं इसको। दायरे में जितने भी लोग 1,80,000 रुपये से कम की योजना के होंगे, सबसे आय उनकी पूछी जा रही है, और कुल परिवार लगभग 65,000 से 70,000 निकलेंगे। आज की रेट में सबसे बड़ी समस्या यही है, कोई एक आंकड़ा पूरे प्रदेश का आज भी नहीं है, यानी फूड एंड सप्लाई के लोग जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाले वो अपना आंकड़ा बताते हैं, बाकी जो गणना होती है वो अलग अलग ढंग से होती है, तो हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से गणना करता है। अब आज से ये जो गणना है जैसे कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होने के बाद फिर इसका सर्वे भी कराएंगे ताकि हर परिवार इसमें जुड़ जाए, और उसका डायनेमिक जो चेंज होता रहेगा वो भी सबको पता लगता रहे। तो लगभग ये 65 से 70 लाख परिवार हरियाणा में होंगे, लेकिन उसमें ये 1,80,000 से नीचे, जिसको हम नए परिभाषा में BPL परिवार भी कहेंगे, पहले की BPL परिवार की परिभाषा कुछ और है, लेकिन अब हमने तय किया कि BPL परिवार की परिभाषा, इसको लेजिस्लेटिव तरीके से जैसे करना होगा करेंगे, लेकिन 1,80,000 रुपये वार्षिक इनकम उससे नीचे जो लोग हैं वो सब इसमें आएंगे, और वो लगभग अनुमान है 28-30 लाख होंगे। पिछले साल में अभी 1,500 करोड़ रुपया इसका बजटरी एलोकेशन हमने कर दिया था, जो मार्च तक लगभग इसमें जितनी आवश्यकता होगी उसमें से पूरा हो जाएगा, फिर रजिस्ट्रेशन पूरा मार्च तक जो होगा मोटे रूप से उस समय तक अनुमान लग जाएगा, और अगले वर्ष का बजट उसी हिसाब से करेंगे। अच्छा है, हाँ अभी अभी पहले इसको चालू करें, अभी इसको चालू करें पहले। हाँ, अरे आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल, ये बेनिफिशियरी के खाते में गई है। अभी अभी बेनिफिशियरी में जो हमने यहाँ एक 4-5 लोग बुला रखे हैं, उनको SMS इसके जाते ही प्रोसेस के एक आधा मिनट के बाद उनको जानकारियाँ मिलती हैं। तो इसमें से जैसे एक सिस्टम में किस्तों में 10-15,000 से जाएंगे, तो 2 दिन में 3 दिन में सभी 1,00,000 पूरे हो जाएंगे, मैसेज चले जाएंगे, लेकिन आज वैसे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है, लेकिन इस विषय को पूरा कर देता हूँ। बेनिफिशियरी बुला, हाँ अभी पूरा कर देता हूँ, एक मिनट करते हैं। इसमें अभी तो हमने सेल्फ डिक्लेरेशन रखा है, फर्स्ट फेज में सेल्फ डिक्लेरेशन, धीरे धीरे उस डाटा को गोल्डन करने में, उसको ठीक करने में, उसको वेरीफाई करने में, जैसे जैसे वेरीफाई होता जाएगा वैसे वैसे जो गलत ढंग से लेकर के जाएंगे उनसे इसकी रिकवरी भी हो जाएगी। गलत क्यों बोलेंगे, आखिर तो आगे तो बंद हो ही जाएगी, और आज की रेट में मान लो 4,000 रुपया है, और 4,000 रुपये में से कुछ तो स्कीमों में चला गया, स्कीमों में तो वैसे भी उनसे अपेक्षा है कि वो अपना पैसा भर करके स्कीम में आए। जैसे 6 तरह की स्कीमें इसके अंदर हैं जिसका लाभ उनको मिलने वाला है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना, ये योजनाएं सारी केंद्र की हैं, लेकिन इसका प्रीमियम लोगों को भरने में जो संकोच है, जो भरते नहीं हैं, जो लापरवाही है,
कम से कम इन योजनाओं को लाभ उठाने के लिए प्रीमियम इसमें से चला जाए, बाकी जो पैसा बचेगा उनके सीधे सीधे जनधन अकाउंट में जाएगा। उनसे सबसे फार्म भरवा रहे हैं और फार्म भरवाने के बाद जिस जिस का जितना पैसा बचता है, जैसे आज की डेट में एक है नन्नी गीता का, रीता है और रीता का पैसा आना चाहिए था 3,316 रुपया। कितना आया है? मैसेज आ गया। कितना? 3,658 रुपए। हाँ, तो स्कीम में थोड़ा बहुत अंतर रह गया होगा। मेरे हिसाब से जो स्कीम पहले इनको बताई गई 3,316, कंप्यूटर ठीक है अपनी? हाँ, कंप्यूटर ठीक है। इसी प्रकार नन्नी, नन्नी कितना पैसा आया? 2,290 रुपया। कितना आया बताओ? मोबाइल पे कितना आया? कितना पैसा जमा हुआ तुम्हारे बैंक में? बीच में बुलाइए, मम्मी जी को बीच में बुलाइए। हां हां मैं हूं। ये क्या नाम है? फोटो खींचे बताओ भी कितना आया। सुनी सुनी बोल दो, बोल दो मेरे को। 2,290 1,710 रुपए कटी। 2,290 शेष राशि 1700 इनको फैमिली को मिलेगा, 2,290 इनके खाते में डाल दिए। 1,710 रुपया तो स्कीम में चला गया और 2,290 इनके खाते में चला गया, 4,000 रुपया कंप्लीट। ऐसे ही यशपाल, हाँ तुम्हारा कितना जमा हुआ? 3,000 देखो, 3,000 से ऊपर होगा, 3,316 रुपया इनके खाते में आ गया, 3,316 और 684 रुपया इनका कट गया स्कीमों के लिए। ऐसे ही संतोष कुमार तिवारी, तिवारी जी कितना है? ये है ना 2,620 रुपये इनके अकाउंट में चला गया, 1,380 रुपये इनका कट गया। सुनिए सुनिए सुनिए, स्कीमों का स्कीमें बताई ना, अभी जो स्कीमों का विषय है, एक स्कीम है 12 रुपया एनुअली, वो है 18 साल से लेकर के और 50-60-70 12 रुपया 1870 का है, तो 18 से 70 साल की आयु के जो लोग हैं उनका तो कटता 12 रुपया, वो परिवार के जितने सदस्य हैं सबका कटेगा साल का। दूसरा 330 रुपया जो एक्सीडेंट नहीं, वो है जो लाइफ इंश्योरेंस जीवन ज्योति बीमा योजना, वो कटेगा 18 साल से और 18 से 50 साल तक का, तो जो 18 से 50 के सदस्य हैं उनका 330 कटेगा। ऐसे ही तीसरी योजना है किसान मानधन योजना, हाँ जी कम बाकियों का नहीं कटेगा। ये सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। और तीसरा मैंने बताया कि 18 साल से लेकर 40 साल तक उनके लिए जो 3,000 रुपया पेंशन उनकी बनेगी 60 साल के बाद, वो है 18 साल का अगर कोई व्यक्ति है उसका पैसा कटेगा 55 रुपया साल का, महीने का 55 रुपया महीने का, और अगर 40 साल का है तो उसका 200 रुपया महीने का। ये ऑप्शनल है, लेकिन परिवार का जो मुखिया है उसके लिए अनिवार्य है, परिवार का मुखिया एक व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। बाकी अगर 6,000 में उनके पैसे हैं तो उसको ऑप्शनली ले सकते हैं, पैसे कम पड़ेंगे तो जितने लोगों का लेना चाहें उतना ले सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अलग अलग स्कीमें हैं, इन स्कीमों के आधार पर कैलकुलेशन होकर के हो जाए। तो कुल मिलाकर इस योजना का हमने, चलो अच्छा करो, पांचों इकट्ठा कर दो, इधर बुलाओ उनको, देवी नन्नी देवी आप इधर आओ, आ जाओ इधर पास, आ जाओ आगे आ जाओ, आप
अपना अपना मोबाइल निकाल के दिखा दो, अपना मोबाइल दिखा दो। फोन आ रहा है करम का। चलो सर, चलिए चलो चलो, शाबाश, धन्यवाद धन्यवाद। तो मित्रों सामाजिक सुरक्षा की सुनिए, अरे सुनिए इसे सुनिए, सामाजिक सुरक्षा की एक बहुत बड़ी योजना आज हमने लॉन्च की है। कारण क्या है कि अपने आयु के हिसाब से व्यक्ति की जब कमाने की आयु होती है तो अपना काम करता कमा लेता है, लेकिन जब व्यक्ति आयु वृद्ध हो जाता है तो उसको सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता होती है। और ये सामाजिक सुरक्षा में धीरे धीरे हर व्यक्ति अपनी जवानी के समय, काम करने के समय थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है तो आगे चल करके उसके जीवन का, उसका सामाजिक सुरक्षा का एक विषय ये बनता है। हम चाहते हैं कि प्रदेश का हर नागरिक, अब उसमें कोई अपने पैरों पर खड़ा होगा वो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, जो अपने पैरों पर उतना प्रकार से नहीं खड़ा हो सकता उसमें सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। जैसे पेंशन स्कीमें होती हैं, पीएफ कटता है, पेंशन स्कीम होती है सैलरीड पर्सन की, ऐसे ही इन स्कीमों में जो इस दायरे से बाहर होते हैं उनको भी सामाजिक सुरक्षा में जोड़ा जाए, इसके पीछे की ये एक भूमिका थी। इसके बाद हमने कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी स्वीकृति दी है। जींद के अंदर जैसे मेडिकल कॉलेज की 664 करोड़ रुपए की लागत का मेडिकल कॉलेज, इसकी स्वीकृति प्रदान हुई। सूक्ष्म सिंचाई, पानी बचाने के नाते से ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए भी नाबार्ड से 1200 करोड़ रुपए का एक लोन हमने मंजूर कराया है। इसमें भी बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको ट्रीटेड वाटर, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा, और कैनाल वाटर का भी जो माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से उसका उपयोग किया जाए ताकि बचे हुए पानी को जहां पानी की स्केयरसिटी है वहां हम भेज सकें। सोनीपत गोहाणा जींद रेलवे लाइन पर बड़वासनी में 200 करोड़ रुपए की लागत से एक आरओबी, इसकी भी स्वीकृति। आरओबी की कितने की है ये? नहीं तो दो नहीं होता, बड़ा होगा कोई आरओबी है, फोर लैंड है तो बड़ा होगा इसलिए 200 करोड़ लगेंगे। ऐसे ही बहादुरगढ़ में भी बाईपास की स्वीकृति हो गई है 124 करोड़ रुपए की, और इसी प्रकार 11 आरओबी आरयूबी पुलों का निर्माण, इसके काम को भी अलॉटमेंट कर दिया है। और इसी प्रकार जो छोटे भी प्रोजेक्ट हैं लेकिन महत्वपूर्ण हैं उनकी भी कुल मिलाकर के आपको लिखित सूची दी जाएगी। ये भी कुल मिलाकर 23 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी स्वीकृति हमने इस 100 दिन के कार्यकाल में दी है। कुछ योजनाएं हैं जिनका विस्तार किया गया है, जैसा भावांतर भरपाई योजना। अब इसमें पहले 4 सब्जियां थी, अब इसको बढ़ा करके 10 कर दिया है। गाजर, टमाटर, शिमला मिर्च, बैंगन, अमरूद व किनू, ये भी इसमें शामिल किए गए हैं कि लागत से कम अगर बिक्री मानो भाव में बिकते हैं तो जो नुकसान होगा, लॉस होगा, उसको भावांतर भरपाई योजना के उसमें से पूरा किया जाएगा। ट्यूबवेल के जो बिजली बिल हैं इसमें भी जो जुर्माना लगता रहा है उन जुर्मानों का भी हमने माफ़ी योजना चलाई है, जो भी चल रही है। अभी तक 100 दिनों में 71,000 किसानों ने इसका लाभ उठाया है, 15,46,00,000 रुपया ये लोगों को लाभ मिला है। ऐसे ही हमने पहले सहकारी समितियों का जो ऋण था उसको माफ़ करने की योजना बनाई थी, इसमें भी इन 100 दिनों में 3,33,000, हालांकि उससे पहले से चल रही है, लेकिन 100 दिनों में भी 3,33,420 किसानों को 620 करोड़ रुपये का इसमें लाभ हुआ है। हमने ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई थी, अभी तक एजुकेशन में उसको लागू किया था, लेकिन एक सफल ट्रांसफ़र पॉलिसी जिसका अनुकरण लगभग 10 प्रदेशों ने और भी किया है, इसको हमने अपने प्रदेश में 10 और विभागों में जिनकी 500 से अधिक कर्मचारी जिस भी कैडर के थे, जिस भी पोस्ट के थे, ऐसे उनको 6 भागों के 10 कैडर हैं, 61,000 कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। इसको भी हम लागू कर रहे हैं ताकि कर्मचारियों की ये जो ट्रांसफ़र के कारण से परेशानी होती है
उसको उससे बचाया जा सके। एचटेट की परीक्षा पहले 5 साल के लिए उसको लागू माना जाता था, इसको बढ़ा करके हमने 7 वर्ष कर दी है ताकि उनको 2 वर्ष तक और भी उस परीक्षा में जो सफल हुए हैं उसका लाभ आगे मिल सके। एचटेट परीक्षा के परीक्षार्थियों को न केवल एचटेट बल्कि अन्य परीक्षार्थी भी जो हैं उन सबको भी परीक्षा का जो स्थान है, परीक्षा का जो केंद्र है, उसको घर से 50 किलोमीटर की दूरी के अंतर्गत अंदर उसको दिया जाए, इसको भी हमने पहली अपनी जो कैबिनेट मीटिंग थी उसके अंदर पारित कर दिया था। और अब उसी अनुसार यदि परीक्षार्थी बहुत कम संख्या में हैं तब इस नियम पर शायद 50 के बजाय 100 किलोमीटर जाना पड़ सकता है, लेकिन जहाँ परीक्षार्थियों की संख्या अधिक है, ज़्यादा है, तो 50 किलोमीटर के अंदर ही उनके परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। एक निर्णय हमने लिया है पर्वतारोहियों के लिए कि अब पर्वतारोही देश की क्या दुनिया की 10 बड़ी चोटियाँ उन पर कहीं पर भी जाकर के अगर उसको फतेह करते हैं तो उनको 5 लाख रुपये का नगद पुरस्कार और सी ग्रेड का स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट ये मिलेगा ताकि उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसका उपयोग हो सके। और अभी प्रसन्नता की बात है, कल ही समाचार था कि अपने ही कुरुक्षेत्र के कपिल ठाकुर, वो एक कहाँ की चोटी, शायद अमेरिकन चोटी या कहाँ की थी, जिसके ऊपर चढ़ के आए हैं, कल उसका समाचार हमको पेपर में मिला है, कपिल ठाकुर है। इसी प्रकार अन्य हैं, शहरी संपत्ति मालिकों को भी संपत्ति कर में 10% की जो एकमुश्त छूट, जो एक साथ 31 जनवरी 2020 तक जिन्होंने ये राशि अपनी जमा कराई उनको हमने 10% की छूट दी थी और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें पैसा अपना जमा कराया। मेडिकल के जो स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, पहले तो मैंने बताया था अनुसूचित जाति के लोगों को पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर लाभ मिला था, अब EWS में भी जो 10% का आरक्षण उनको भी ये दे दिया गया है। अनुसूचित जाति में जो अति वंचित वर्ग है उनको आरक्षण का लाभ अलग से मिलेगा 10% का, इसको भी हमने निर्णय पारित किया है। पहले एक ही वर्ग था, अब उसको अति वंचित को अलग कर दिया है, उसका 10% का लाभ उसको मिलेगा। इसी प्रकार और बहुत सी योजनाएं हैं, इनकी भी संख्या जिनका हमने विस्तार किया है, जिनको पहले की तुलना में और अधिक लाभ दिए हैं, ऐसी 24 योजनाएं हो रहे हैं जिनका लिखित में आपको ये सारा वृत्तांत ये दे दिया जाएगा। जन कल्याण की बहुत सी योजनाएं, जैसा पेंशन बढ़ाने की हमने बात की थी, तो हमने पहले वर्ष की किस्त में बहुत से वर्गों की जो पेंशन है वो 2000 से 2250 की है। जो भवन निर्माण के काम में लगे हुए जो मजदूरों की पेंशन पहले 2500 थी उसको 2750 किया है। इसी प्रकार स्कूल कॉलेज की जो छात्राएं हैं, पढ़ने वाली छात्राएं, उनको सुरक्षित परिवहन योजना ये दी जाए, इसका भी क्रियान्वयन इन 100 दिनों में किया है। 2 प्रकार से वो लाभ दिए गए हैं, एक तो 81 रूटों के ऊपर बसें चलाई गई हैं जिन पर पर्याप्त संख्या में सुबह और शाम छात्राएं, उनको रिजर्व किया गया उन बसों को, केवल छात्राओं को वो ले करके जाएंगी। और जो कम संख्या में छात्र छात्राएं स्कूल में अथवा कॉलेज में जाती थी उनके लिए अलग से प्राइवेट साधन करके 2 किलोमीटर या इससे ऊपर की दूरी के जो उनके शैक्षणिक संस्थान हैं वहाँ भेजने के लिए भी उनको अलग से पर किलोमीटर पैसा उपलब्ध कराया जाता है। और हर स्कूल कॉलेज में एक ट्रांसपोर्ट का नोडल अधिकारी बनाया है ताकि उस पैसे से उनकी एक सामूहिक व्यवस्था को करवा करके दें, तो ऐसे छोटे वाहन भी उनके लिए करा के दिए गए हैं। इसमें अभी तक 14,000 छात्राओं को ये लाभ मिला है और इस पर 5.5 करोड़ रुपए का ये खर्च हो चुका है। और ये लगातार इसमें और भी जो सुविधाएं हैं ताकि छात्राओं को सुरक्षित अपने पढ़ने के स्थानों पर भेजा जा सके। कैंसर पीड़ित के जो रोगी हैं, कैंसर पीड़ित हैं, उनके राज्य परिवहन की बसों में उनको एक सहयोगी, इसको भी फ्री ट्रैवल की और ये छूट दी है। इसी प्रकार जन कल्याण की और योजनाएं भी हैं, संख्या बड़ी है, इसलिए राजस्व में भी हमारे यहाँ बढ़ोतरी हुई है। इस 100 दिन की जो उल्लेखनीय वृद्धि है उसमें चाहे राज्य की GST है, GST
इसी कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड में 27 अक्टूबर 2018 से 4 फरवरी 2019 ये पीरियड है 100 दिन का, उसके मुकाबले अब जो वर्तमान 100 दिन का पीरियड है उसके अंदर 22% की वृद्धि जीएसटी में हुई है। जो पहले 3,190 करोड़ थी अब 3,863 करोड़ है, 100 दिन में 22% की पिछले साल की अपेक्षा इस बार वृद्धि है। खनन में जैसे मैंने पहले बताया अकेले जनवरी में ही काफ़ी बड़ी वृद्धि दर्ज की गई और पिछले 100 दिन में पिछले वर्ष 144 करोड़ रुपए था, इस वर्ष के 100 दिन में 185 करोड़ है, तो कुल 28% वृद्धि इसमें हुई है। स्टेट की एक्साइज इसमें भी कुल 7% की ये वृद्धि हुई है। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में 1010 करोड़ रुपया हमारे यहाँ राजस्व में ये वृद्धि हुई है। कानून व्यवस्था इसे भी यदि हम कहें तो महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या, ये जब हमने पिछली बार 5 साल पहले सरकार संभाली थी तो मात्र 6% थी, पिछली बार लगभग 2000 पुलिस महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाई थी और ये संख्या 10% की थी। आगामी हमने निर्णय लिया है कि ये संख्या 15% तक की जाए ताकि महिला सुरक्षा कर्मियों की संख्या ये बढ़ जाए, ये निर्णय भी हमने कर लिया है। ऐसे ही 100 दिन के अंदर पुलिस की जो प्रभावी पैरवी हुई है, इसमें बलात्कार और पॉक्सो तहत जो भी आरोपी थे उनको 85 आरोपियों को और अपराधी ठहराया गया है। उनमें से जो हमने कहा था कि इनकी सुविधाएं इनको रोकेंगे, सब डिपार्टमेंट्स को लिख दिया गया है, कुछ डिपार्टमेंट्स ने अपनी सुविधाएं रोक दी हैं, बाकी डिपार्टमेंट्स भी उनके यानी खाद्य पदार्थों की और स्वास्थ्य की ये योजनाएं रोक कर बाकी सब योजनाओं का लाभ उनको लाभ वंचित कर दिया जाएगा, ऐसा एक कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया है। हर जिले में पुलिस थानों को एक मॉडर्न पुलिस थाना जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं हों और खास करके आजकल जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है इस ओर भी बढ़ने के लिए प्रारंभ किया जाएगा ताकि आगे हर जिले में साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को भी सुनिश्चित किया जा सके। 5 नए पुलिस थाने खोलने की अंबाला रेंज में ये हमने स्वीकृति दी है और भी इस प्रकार से कुछ नए प्रशासनिक जो इकाइयां हैं उसका भी हमने गठन किया है, कुछ विभाग भी बनाए हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि परिवार पहचान पत्र का ये जो काम है ये नागरिक संसाधन सूचना विभाग अलग से विभाग गठित किया है, वो ये सब करेगा। इसी प्रकार विदेशी निवेश हमारे यहाँ आए या यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर सकें, विदेश के लोगों के साथ संबंध सीधे राज्य स्तर पर भी हम बढ़ा सकें, इसके लिए विदेश सहयोग विभाग ये हमने बनाया है। झज्जर नगर पालिका जिला केंद्रों में एकमात्र झज्जर जिला केंद्र ऐसा था जहाँ अभी तक नगर पालिका थी, इसको नगर परिषद का दर्जा दिया है। अब सभी 22 के 22 जिला केंद्र या तो नगर परिषद हैं अथवा नगर निगम हैं। इसी प्रकार जिला गुरुग्राम में बादशाहपुर का एक नया उपमंडल ये भी बनाया गया है। इस दौरान 100 दिनों में हमें वैसे तो पिछले कार्यकाल में 125 के आसपास अवार्ड मिले थे 5 साल में, इन 100 दिनों भी महत्वपूर्ण भूमिका सरकार की योजनाओं की देखते हुए विभिन्न विभागों के कामों को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से अथवा कुछ संस्थाओं की ओर से जो हमको अवार्ड मिले हैं उसमें अंत्योदय सरल परियोजना अवार्ड, ऊर्जा क्षमता इस पर अवार्ड, ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 प्रथम रैंक और ई गवर्नेंस का हमको गोल्ड अवार्ड मिला है, राष्ट्रीय पुरस्कार। ऐसे ही बिजली लागत घटाने में एक्सेलेंस इन कास्ट मैनेजमेंट का प्रथम पुरस्कार, सरसों के उत्पादन में कृषि कर्म पुरस्कार, पशुपालन के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पशु राज्य पुरस्कार, स्वच्छता के क्षेत्र में स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 पुरस्कार में उत्तरी क्षेत्र में प्रथम, दिव्यांगजनों के लिए बेस्ट एक्सेसिबल वेबसाइट इसमें सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग को राष्ट्रीय पुरस्कार, फिर ऐसे ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 3रा पुरस्कार, तो कुल मिलाकर 8 नए पुरस्कार भी ये हमको मिले हैं। कुल मिलाकर जैसा मैंने पहले प्रारंभ में कहा कि हम इन 100 दिनों में दिन रात जो योजनाएं हमारी पहले वाली थी उन पर भी हमने काम किया है, उनका विस्तार किया है, नई योजनाएं भी बनाई हैं, नए प्रोजेक्ट भी कुछ खड़े किए हैं, नए विभाग भी बनाए हैं ताकि हम अपने जनहित के कार्यों को कैसे तेज़ गति से आगे बढ़ा सकें। हर विभाग, हर मंत्री और हमारे जो सारे अधिकारी
सब मिल करके और इन सब कामों को गति दे रहे हैं। आज एक नई घोषणा भी मैं इस अवसर पर करना चाह रहा हूँ कि महापुरुषों के जीवन को और ठीक से समझा जाए, लोगों में उनकी शिक्षा का संस्कार मिले, तो उस नाते से एक योजना हमने ऐसी बनाई है जिसकी पहले घोषणा नहीं की है, वो आज मैं कर रहा हूँ। गुरु रविदास जी के स्मृति में गुरु रविदास धाम, इस नाते से कुरुक्षेत्र जिले में 5 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी ताकि गुरु रविदास धाम का की वहाँ स्थापना कराई जा सके। समाज के लोगों के साथ मिल करके इस योजना को हम आगे बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर हम अपने 100 दिन के कार्यकाल के सारी उपलब्धियों को लेकर के एकदम संतुष्ट हैं, जनित्व हम कार्य कर रहे हैं और ये हमने अपना एक बेस बनाया 100 दिन में। अगले समय में इसको और आगे तीव्र गति से बढ़ा करके, क्योंकि अभी तक ये जो काम हमारे हो रहे हैं पिछले बजट के आधार पर हो रहे हैं, अब चूँकि बजट का सेशन हमारा शुरू हो जाएगा तो बजट सेशन में नई स्कीमों के बजट, नई उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए बजट, वो सब तय किए जाएंगे और अगले वर्ष से 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स इन कामों को नए बजट के आधार के ऊपर जो जनता की अपेक्षाएं हैं उनके ऊपर पूरा उतरेंगे, खरा उतरेंगे और निश्चित रूप से जो भी कोई इधर उधर की बात ये करते हैं कि 100 दिन में हमने कुछ नहीं किया, मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि 100 दिन में हमने इतना किया कि वो अपने 10 साल के राज को भी इतना करने की कभी हिम्मत ही नहीं जुटा सके। हम आगे ये जो कर रहे हैं, तो मनोहर सरकार के 100 दिन पूरे और 100 दिन पूरा होने के मौके पर ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।